Hello friends, myself Dhwani. Today, I will explain you the whole chapter 1, Who Did Patrick's Homework? The name of the chapter. The name of the book is Honeysuckle and the subject is English of NCERT syllabus. Patrick अपना होमवर्क कभी नहीं करता था. वो कहता था, होमवर्क करना बहुत बोरिंग है. वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निटेंडो जैसे गेम्स खेलता था. निटेंडो एक वीडियो गेम होती है. उसके टीचर्स उसको हमेशा बोलते थे कि पैट्रिक, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. और ये सच था. कभी कभी उसको एकदम मूर्खों जैसी फीलिंग आती थी, पर वो कर भी क्या सकता था. उसको होमवर्क से नफरत थी. फिर एक दिन उसने अपनी कैट को एक डॉल से खेलते देखा. वो उसको उठा के कहीं ले जा रही थी. वो बहुत सरप्राइज हो गया था क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी पर एक छोटे से साइज का आदमी था. उसने एक छोटी सी वूल की शर्ट पहनी हुई थी और उसके ओल्ड फैशन ब्रीचेस. उसने एक लंबी सी हैट पहनी हुई थी, एकदम विच जैसी. वो चिल्लाया, मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे इस कैट को मत दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक खुद पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी था. उसकी प्रॉब्लम्स का आंसर उसको मिल गया था. वो कहता, सिर्फ तभी जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे. मेरे पास सिर्फ 35 days का टाइम है. अगर तुमने अच्छे से काम किया, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मेरी ग्रेड, मेरे होमवर्क में एक ग्रेड मिल जाए. वो जो छोटा सा आदमी था वो बहुत परेशान हो गया. उसने अपने पैर ज़मीन पर मारे और कहा, मुझे श्राप मिल गया, पर कोई बात नहीं, मैं ये काम कर दूँगा. और उसने ये कहते ही पैट्रिक का काम शुरू कर दिया. पर उधर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी. एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि उसको इधर क्या करना है. उसको बीच बीच में हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. वो कहता था, मेरी हेल्प करो जल्दी. पैट्रिक को उसकी हेल्प किसी भी तरह करनी पड़ती थी. मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, एल्फ चिल्लाया पैट्रिक का होमवर्क रीड करते करते. मुझे जल्दी से एक डिक्शनरी लाओ और जल्दी से इस वर्ड का मतलब उस डिक्शनरी में ढूंढो. और जब मैथ्स की टर्न आती थी पैट्रिक को तो बहुत परेशानी होती थी. एल्फ को पता ही नहीं था कि टाइम टेबल्स क्या होती थी. एल्फ ने कहा, हमें तो इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविज़न और फ्रैक्शंस. आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ. मुझे तो ह्यूमन हिस्ट्री का कुछ नहीं पता. एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था. उनके लिए वो एक मिस्ट्री थी. तो फिर उस एल्फ ने बहुत तेज़ चिल्लाया, पहले से भी ज़्यादा तेज़. उसने कहा, जल्दी से लाइब्रेरी में जाओ, मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ. और हर दिन एल्फ बहुत अजीब तरह से काम कर रहा था. पैट्रिक तो एल्फ से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था. पैट्रिक दिन रात जगा रहता था और बहुत सुस्ती आने लग गई थी उसके अंदर. जब वो स्कूल जाता था उसकी आंखें एकदम सूज जाती थी. और फाइनली उसके स्कूल के लास्ट डे, आखिरी दिन, वो एल्फ जो था उसके पास काम बिल्कुल नहीं बचा था. वो अपने घर जा सकता था. पैट्रिक को अपने काम में एक ग्रेड मिली. उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स बहुत चौंक गए थे, चकित रह गए थे और उसकी बहुत तारीफ़ करते थे. और उसके पेरेंट्स वो तो सोचते थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है, अब तो बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, अपना रूम साफ करता है हमेशा, घर का काम करता है और हमेशा खुशी से रहता है, किसी से गुस्से से बात नहीं करता. और लास्ट में पैट्रिक फिर भी तब भी सोचता रहता था कि उस छोटे से आदमी ने ही उसका होमवर्क किया है. पर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे और आपके बीच में, कि वो एक एल्फ नहीं था. वो पैट्रिक ने होमवर्क सारा खुद ही किया था.